फीमेल प्रेजेंस है, हंसी तो फंसी डजंट वर्क, वो मैं हंसाऊंगी एंड फंसाऊंगी, हंसा तो फंस जाऊंगा, मेरे फंसाओ तो पहले, लव सीट है देखो ना, दो के लिए, इट्स मेड फॉर टू, आई थिंक ज्यादा मैं फंसाऊं लड़कियों को हंसा हंसा के, बहुत मुश्किल काम है लड़कियों को हंसाना, बट आई थिंक एज ऑफ नाउ आई हैड अ फ्यू एक्सपीरियंसेस हियर एंड देयर, बट नो वन सो स्पेशल दैट आई हैव शेयर्ड अ लव सीट बारिंग परिणी, द बॉयज यू नो हू आर बेस्ट फ्रेंड्स वांटेड टू टेक दैट सीट अप एंड वी वुड मेक श्योर दैट इन ब्रेक व्हेन अभी होता है तो देयर शुड बी अ सीट राइट इन द बैक केप्ट फॉर मी एंड माय फ्रेंड ऑफ माइन, ओह वेल आई एम अ वर्जन, देन आई एम अ वर्जन सो मैंने सिर्फ लव सिटी शेयर किया, उसके आगे मैं गया ही नहीं आज तक, तो तभी मैं प्रमोट कर रहा हूँ ये लव सिटी है जो मेरे पास एक ही चीज है जो दिखा सकता हूँ, इसके आगे आई डोंट नो व्हाट लव इज, इफ समबडी डेट्स मी ओनली गेट्स टू सिट ऑन द सीट, आई थिंक लड़की में एक कोई एक पर्टिकुलर खूबी नहीं हो सकती, आई थिंक फर्स्ट इज दैट शी शुड लाफ ऑन माय जोक्स, अगर हंसी नहीं की तो फिर वो रो रही है बेचारी, तो एग्जैक्टली दैट्स द थिंग, जोक्स होने चाहिए, सीरियस नो आई एम सिंगल एज आई सेड, मैं तो दैट वाज इन द पास्ट, वो मेरा अतीत था, ये मेरा आज है कि मैं एक सीट खाली लेके खड़ा हूँ, परिणीति इज नॉट कम टुडे एंड आई एम हियर टू शेयर विद दीज गर्ल्स, एज आई सेड परिणीति एंड आई हैव लॉट ऑफ फन ऑन दिस, तीन तीन दिन हम बैठे हैं इस पे, काफी फनी सीक्वेंसेस कर रहे हैं इस पे, होपफुली व्हेन यू गाइस विल सी द फिल्म यू विल रियलाइज व्हाट इट मींस इन द फिल्म, दिस कैरेक्टर हंसी तो पसी, आई एम प्लेइंग दिस अ वेरी फर्स्ट आई एम प्लेइंग अ बॉय माय एज, he's very ambitious, he wants to do well, he's a bit confused in terms of doing what his family wants and doing what he wants, I think so, which is very true to all the youth today, sometimes they get pressurized, you know, my mom wants me to do this, my father wants me to do that, so I think this boy is equally confused in that sense, he sticks by his commitments if he's made to his girlfriend or to his lover, I think which is very interesting as well, so yeah, I think this character is pretty much the regular close I mean, close to me kind of boy when I was in college or when I came after college. Yeah. Well, you have to see the film to understand. As I said, we can't see the so your first letter. देख रहे हैं इसका मैं actually नहीं बोल सकता. You'll beep it out. So we use this technical term. Sorry. As I said, you'll beep it out if I say that. It'll be fun. Once you see the film, you realize we're doing everything but the conventional stuff in the film. Being stuck with a girl on this for. You know, a full sequence once you see the film, or in the night getting out and giving gila towel as you see in the girl asking ki mujhe gila towel chahiye. So, agar aap picture dekhenge, I can't disclose much about the sequences, but it's got a very cucking, crazy aspects to it. I'm playing a bad guy, villain. This is my villain hair and dadi. What do you think? This is not hasi to fasi.